अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन में वेंट्री रिलेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। ये हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 से बड़ा है। वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। हाइट दोनों के सेंटर से ग्राउंड तक जो है वो सेम है। हाइट H1 और हाइट H2 दोनों में सेम है। हाँ जी बच्चों, अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या है? P1 plus rho g H1 plus 1 over 2 rho V1 का स्क्वायर is equal to P2 plus rho g H2 plus 1 over 2 rho V2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है। ये हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसमें बच्चों हमारे पास सबसे पहले ये हम एरिया को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया एरिया A1 A2 के मुकाबले में बहुत लार्ज है, यानी कि ज़ारे एरिया A2 जो है वो स्मॉल है। एरिया A2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन A1। एरिया A2 जो है वो A1 के मुकाबले में बहुत ही स्मॉलर है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कहीं पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। V1 के लिए फार्मूला लिखा जाएगा V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय A1। तो ये हमारे पास V1 के लिए फार्मूला बन गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कहा एरिया A2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन A1, अगर एरिया A2 बहुत स्मॉलर है A1 के मुकाबले में, तो जाहिर है ये पूरा रिजल्ट ही स्मॉल हो जाएगा। जब ये पूरा रिजल्ट स्मॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि V1 स्मॉल हो जाएगा। तो एरिया जितना ज्यादा स्मॉल होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। अगर हम एरिया बहुत ही स्मॉल लेते हैं तो वेलोसिटी V1 जो है तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाएगी और V1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हमने जैसे पहले यहां पर कहा हाइट जो है वो दोनों के सेंटर से सेम है, भले क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है लेकिन दोनों के सेंटर से ग्राउंड तक हाइट जो है वो सेम है। H1 H2 के इक्वल है। तो ये दो चीजें, एक वेलोसिटी V1 को जीरो करेंगे और दूसरे नंबर पे दोनों हाइट्स को भी हम बराबर कर देंगे। इन दोनों चीजों को हम यहां पर बर्नौली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट इन दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहां पर हमारे पास H1 और ये H2 के साथ टर्म में दोनों H के साथ बन जाएंगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। और दूसरी नंबर पे ये जो वेलोसिटी V1 पर टर्म है, ये भी V1 के जीरो होने की वजह से ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास टर्म ये वाली बचेगी और यहाँ पर जो है वो हमारे पास टर्म ये वाली बचेगी और ये P2 वाली बचेगी। तो ये टर्म बन जाएगी। तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1 बाय 2 रो V2 का स्क्वायर। अब जो इसमें ये जो P2 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 रो V2 का स्क्वायर। रो यहां पर डेंसिटी है, V वेलोसिटी है, P1 और P2 ये प्रेशर है। P1 माइनस P2 जो है ये प्रेशर डिफरेंस है। दिस इज वेंट्री रिलेशन। तो ये बच्चों हमारे पास वेंट्री रिलेशन है जो कि एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस से बनने लगे हैं। तो ये इसको हम वेंट्री रिलेशन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म है वेंट्रीमीटर की। वेंट्रीमीटर डिवाइस का नाम है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। तो ऐसा डिवाइस जो लिक्विड फ्लो की स्पीड को मेजर करता है उसको हम लोग वेंट्रीमीटर कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया।